थोड़ा सा तेल, उसके बाद डालेंगे फ्राई किए हुए अनियंस थोड़े से, और फिर ऊपर से डालेंगे हमारा ओवरनाइट मैरिनेट किया हुआ चिकन, दही, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्ची सब डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट किया था सारी रात को मैंने। काफ़ी ज़्यादा गार्लिक डाल था वैसे, मेरे हिसाब से ट्राई करना ज़रूर, बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 स्पून जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए इसमें, इसमें कोई वो नहीं है कि कितना डालना कितना नहीं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च फॉर दैट कलर, ट्रस्ट मी गाइस बहुत अमेजिंग बनी थी। उसके बाद दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया पतीली जिसमें कि मैं उबालूंगी अपने चावल, जिसमें मैंने थोड़ा सा डाला है जीरा, लौंग, पानी, नमक और चावल और इस साइड पे मैं चिकन हिलाती रहूँगी ताकि जल ना जाए यार, क्योंकि मेहनत लग रही है यार अच्छी चीज़ खाने के लिए तो मेहनत लगती है ना। उसके बाद मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं, अब उसको हम बॉईल करेंगे अच्छी तरह से। यार मैं कच्चे नहीं रखती थोड़े, मैं अच्छे से बॉईल कर ही लेती हूँ चावलों को, वरना कच्चे रह जाते हैं। अब उसके बाद हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। देखो आई एम नॉट अ कुक, आई एम नॉट अ प्रो, बट भाई जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं शेयर कर रही हूँ रेसिपी। काफ़ी यमी लग रहा है, ऑलमोस्ट कुक हो गया है, बट इसमें हम डालेंगे प्याज और थोड़ा सा अदरक, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इसमें ट्राई करना। अब इसको थोड़ा सा, ये वैसे कुक हो गया, इसको बंद करके हम नेक्स्ट पैन में अब डालेंगे अदरक लहसुन, उसके बाद सारा चिकन ऐड करके ऊपर से हम धनिया डालेंगे इसके ऊपर, उसके बाद कुक किए हुए चावल इसके ऊपर डाल के लेयर कर देंगे, फिर धनिया डालेंगे, फिर फ्राइड अनियन डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कलर, काजू, और ये 15 मिनट दम देने के बाद इट्स रेडी। सो यमी, ज़रूर ट्राई करना।